आज हम लोग बनाते हैं शाही पनीर। मैंने 2 आड़ी प्याज ले लिया है, थोड़े से जौ ले लिए हैं लहसुन के, थोड़ा सा अदरक और 3-4 मैंने मिर्चा ले ली है और 2 टमाटर ले लिए हैं। चलिए हम लोग पैन गरम पैन रखते हैं। थोड़ा सा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। उसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। बन नहीं रही है जीनत। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। प्याज डाल देंगे। उसमें लहसुन डाल देंगे, फिर अदरक डाल देंगे। इसको थोड़ी देर, जब तक प्याज नहीं लाल हो जाती, थोड़ी सी इसको सॉटे कर लेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया कि गैस हम लोग ऑफ कर देंगे। इसको एक दूसरी डिश में हम लोग निकाल लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा काजू डाल लेंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसका एकदम बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट ना हो, बस थोड़ा सा मीडियम थिक पेस्ट हो, ओके। फिर उसके बाद मैंने ये कढ़ाई ले ली है, इसको थोड़ी सी गर्म करने के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद इसमें तेल डालेंगे। दो से तीन पड़ी तेल डालना है। थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद उसमें पेस्ट डाल देंगे। तो थोड़े देर तक चलाएंगे। तो इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक मैं बताऊंगी कब डालना है। अभी इसको खूब भूनने देंगे।
5 से 10 मिनट के लिए इसको खूब पका लेंगे, जब तक ये ऐसे ऑयल नहीं छोड़ने लगे। देखिए मेरा, देखिए ऑयल छोड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बारीक कटे हुए पनीर के पीसेस ले लिए हैं, इस तरह से काटे, या आपको जैसे काटना है, लंबे में जैसे भी काटना है इस तरह से काट लें। अब मैं इसको इसके अंदर डालूंगी। इसको हल्के हल्के हाथ से चला लें, लो फ्लेमिंग में करके। अब इसमें अपने हिसाब से पानी डाल देंगे, जितना भी आपको उसको पतला मोटा जैसे भी रखना है।